गाइस हर महादेव, वेलकम टू 12th डे ऑफ द ब्लॉग। चलो आज के दिन देखना यार। ओके हर महादेव गाइस, जय शिव शंभू। थोड़ा सा काम वाम में व्यस्त हो गया था यार, कोई वीडियो नहीं बना पाया दोपहर दोपहर का। अभी जाके फ्री हुआ हूँ, निकल रहा हूँ अभी मुखिया जी के पास। शिवम भी उन्हीं के मुखिया जी के पास ही है, वो लोग से भी मिलूंगा मरीन पे। सुना है कि दीघा घाट पे कहीं कोई पार्क वार्क बना है, देखते हैं जाते हैं, क्या है कैसा है बताते हैं फिर। चलो भाई फिर देखो आप जर्नी अभी शाम का। हर हर महादेव। कहा नहीं जाता है कि इंसान जिंदगी में बहुत परेशान रहता है। इंसान को उम्मीद बहुत लोगों से बहुत कुछ कराता है, और क्या है कि बहुत लोग जो हैं उस उम्मीद पे नहीं जब खड़े उतरते हैं तो इंसान को जो है तकलीफ होता है। वो तकलीफ होना तो वाजिब है, क्योंकि भाई चमड़ा का ही शरीर है हर इंसान का, एक एक इंसान का, एक एक इंसान का चमड़ा का शरीर है। बूढ़ा मानना, खुशी होना, ये हमारे नेचर में है हर इंसान के। तो आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आजकल जो वातावरण मेरे को नज़र आ रहा है समाज का, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बहुत ही डिप्लोमेटिक। कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये इंसान जो है ना मीन्स मतलब इंसान को पता रहता है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, मगर उसके बावजूद जो है ना इंसान बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर करते हुए चलता है। क्यों क्यों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे ये कमेंट में बताना। मेरा जवाब क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, कि इंसान को ना बेफिजूल चीज़ों में ना फंसने का आदत नहीं है। कहा नहीं गया कि कलयुग है, तो ये असल कलयुग है ना भाई। चलो बस हम पहुंच ही गए हैं गांधी मैदान। ऐसे ही मन में ख्याल आया तो हमने बना लिया, बाकी चलो देखते हैं जिंदगी कैसे कटेगी, अच्छी बुरी जैसा महादेव चाहेंगे वैसे ही कटेगी, क्योंकि हमारा आपका किसी का औकात नहीं है। जब ऊपर वाले का लिखा हुआ हो नहीं है। चलो भाई फिर चलो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Hello guys, हर हर महादेव। अभी भाई हम लोग हैं मरीन पे, और क्या बताएं आपको यहाँ के माहौल के बारे में, है कि नहीं भाई मुखिया जी? सही बात है यार। मैं लिटरली मैं बोलना चाहूंगा ये चीज कि ठीक है, अच्छी जगह है, आप आते हो बैठते हो, बहुत सारा ऐसा लोकेशन है, आप खाते हो, एक्सप्लोर करते हो, घूमते हो, टहलते हो, वॉक करते हो, है कि नहीं? मगर एक रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टंट करते हैं वहाँ पे, बहुत तरह का गलत, क्या बोलूँ मैं आपको, आप समझ ही रहोगे अगर मैं मरीन का बोल रहा हूँ तो। मतलब फैमिली अगर जाए ना मरीन पे तो थोड़ा सा इशू आता है कि मीन्स गलत तरह के लोग जो हैं कुछ से कुछ करते रहते हैं। इस पे सरकार को कम से कम लेना चाहिए, लगाना चाहिए, क्या है कि नहीं, कि कम से कम लफवई अपने बिहारी या ठेठ भाषा में कहे ना कि ई लफोई के जगह ना पाओ, तनी प्यार से रहो, अच्छा से रहो, स्टंट करे के बा तो स्टंट के को जगह ले लो, ये चल जा ऐसा ऐसा जगह कि ढेर जगह बा जहाँ गाड़ी उड़ी ना आवेला, वहाँ स्टंट करा, है कि ना मुखिया? है बोलू सही बात है, है कि नहीं जी? शिवम तुम्हारा क्या गंगा जी के ऊपर, है गंगा जी के ऊपर,
गंगा जी के ऊपर टी जाके स्टंट कर। हाँ, ये एकदम सही है भाई, बढ़िया निमन भाई। देखो यार, स्टंट मैं कभी ये नहीं कहता कि स्टंट जो है बहुत मतलब गंदी चीज है भाई, वो पैशनेटिंग चीज है, बट मगर उसको आप सही से करोगे तब तो यार आप बस बाइक उठाए निकले घर से और आप आगे का चक्का उठा रहे हो, पीछे का चक्का उठा रहे हो, भाई यार गियर पहन ले यार, हेलमेट पहन ले, उसके बाद कर। अगर तेरे को कुछ हो जाएगा तो माँ बाप रोएंगे, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है वो हाईवे है, वो हाईवे पे आप स्टंट करोगे आप ही को नुकसान होगा, आप ही को वहां पहुंचेगा। इससे अच्छा है कि हम गलत चीज ना करें, सही चीज पे वो चीज सही जगह करें। यही है भाई, और क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा मतलब आज मरीन चढ़ा तो यही सब चीज देख रहा था कि लोग स्टंट मार रहे हैं, गाड़ी आ रही है जा रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी को लग गया तो होगा क्या, ऐसे थोड़ी हुई हो। अय्या ना बिहार में मार दे कट्टा का पार में, वो वाला सीन नहीं है भाई। यहाँ पे बिहार हमारा बहुत प्रतिष्ठित है और आर्यभट्ट की धरती है ये, है ना भाई? आर्यभट्ट की जन्मभूमि है ना। तो भाई बस यही था, जो भी यूथ है भाई यूथ ही करते हैं ये सब, कोई बुजुर्ग आके तो करते नहीं है। बस यही है भाई कि थोड़ा गेयर वेयर पहन ले भाई, और लोकेशन मैटर करता है, लोकेशन सही लोकेशन पे जाके किया कर भाई। भाई अब बज रहा है 10, अभी हम हैं मरीन पे, निकल रहे हैं घर, मम्मी का फोन आया, मम्मी को दवाई खिलाना है। चलो फिर मिलते हैं भाई, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।